हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू साइंटिफिक स्टडी स्कूल एंड मेरा नाम राजेश चौधरी है आपके लिए गुड न्यूज है मैं जो हमारे व्यूवर्स हैं जो सब्सक्राइबर हैं जो लॉयल हमारे सब्सक्राइबर हैं जो कि क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं और जिनको फाइनेंशियल थोड़ी हेल्प मिल जाए हमारे एंड से तो जो ये हम कोर्स आपको करा रहे हैं मींस आपको हर दो महीने बाद बैच होता है और ये आप लाइफ टाइम इसको कंटिन्यू कर सकते हो एज ए फैमिली और सब लोगों के साथ सीख करके कंटिन्यू ग्रोथ कर सकते हो तो हमने सोचा कि सबकी एक हेल्प कर जाए 50 से ज़्यादा हम स्टूडेंट को लेंगे मैंने पहले 100 लेते ताकि एक भीड़ ना हो और एक क्वालिटी एजुकेशन मिल मिल सके तो फर्स्ट टेन जो भी आज से ज्वाइन करेंगे फर्स्ट टन फर्स्ट टेन उनको फिफ्टीन डिस्काउंट मिलेगा फी के अंदर ताकि उसकी हेल्प हो सके एंड इलेवन नंबर से लेकर फिफ्टी तक जो भी स्टूडेंट होंगे उसको टेन परसेंट मिलेगा उसके बाद हम स्टूडेंट्स एडमिट नहीं करेंगे और अब हम बात करते हैं एनालिसिस की तो निफ्टी का टेक्निकल एनालिसिस करके मॉर्निंग में पब्लिक वाला जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन नंबर दिया तो वहाँ पर मैंने बता दिया था आप लोगों की निफ्टी पॉजिटिव ट्रेंड में और एवरी डिप इज बाईन चौबीस पचास का लेवल एक ऐसा था अगर उसके नीचे क्लोज हो जाता तो मार्केट इंट्राडे में गिर जाता है आप कैंडल देखोगे तो मार्केट उसके बाद कंटिन्यूस तीन सौ की एक रैली देखने को मिली जो मॉर्निंग के अंदर ही मैंने बता दिया था और रेगुलरली बेसिस पे मैं आपको आउट ऑफ फाइव हंड्रेड फाइव स्टॉक्स लेकर देता हूँ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए उन स्टॉक्स में या तो ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन मीस मूवमेंट आएगा क्योंकि आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट कर लेते हो उसके बाद आप बैठे रहते हो तो मूवमेंट आएगा नहीं आएगा लेकिन तो इन स्टॉक्स में अगर वॉच लिस्ट में एड करके आप दो दिन के लिए रखते हो इनमें मूवमेंट्स आएगा तो जब आप एड करके रखते हो आप फॉलो करते हो तो आपको दिख जाएगा प्राइस का ऊपर का मूवमेंट है या नीचे का मूवमेंट है तो आप बड़े मूवमेंट कैप्चर कर सकते हो तो वो टेक्निकल पब्लिक प्रणी वाला टेलीग्राम ग्रुप है जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन दिया उसको बिल्कुल भी मिस मत करना रेगुलर बेसिस पे देखना आपको बहुत बड़े मीनस कल परसों कुछ स्टॉक था उसको बीस परसेंट भागा था आज आरती इंडस्ट्री दस परसेंट गया तो वो पांच परसेंट से बीस परसेंट आप मान के चलो उसमें से उन्हीं पांच स्टॉक्स में से मूव

उसके बाद डेली चार्ट अगर देखेंगे तो डेली चार्ट के अंदर अगर आप प्राइस स्ट्रक्चर को देखोगे तो तो ये मीडिय, मीडियम मीडियम टर्म का ट्रेंड है, का। एक होता है, का, है? तो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड जो होता है जैसे आप डेली में देख रहे हो तो ये पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है इट इज लॉन्ग टर्म ट्रेंड एंड जो लॉन्ग टर्म की जो ट्रेंड की वेव निकलती है वो ट्रेंड कहलाता है मीडियम टर्म ये तो आपको सबको आता ही है ठीक है अब उसके बाद देखिए जैसे ये आपका मीडियम टर्म में आपका नेगेटिव ट्रेंड है ठीक है क्या है मीडियम टर्म में नेगेटिव ट्रेंड अब इस नेगेटिव ट्रेंड में पुल बैक आ रहे ठीक है, है इस पुल बैक को जैसे निफ्टी का एनालिसिस में रेगुलर करके डालता हूं टेलीग्राम वाले ग्रुप में तो वो मेरा शॉर्ट टर्म ट्रेंड शॉर्ट टर्म ट्रेंड होता है कि मीन्स वो आपकी जो डेली की जो रन इन पुल बैक है तो उसका जो आपका पुल बैक जो वेब वे, पुल बैक होगा या फिर रन होगा तो उसके हिसाब से मैं, मैं मैं ट्रेंड पॉजिटिव नेगेटिव बोलता जो भी समझे उस चीज को ये समझे कि जो मेरा स्ट्रक्चर है वो जो मैं बोलता हूँ चौबीस कि, जीरो कि इकहत्तर के ऊपर या चौबीस तीन सौ जो भी मैं बोलता हूँ लेवल तो वो क्या है वो शोर्टर टर्म का ट्रेंड है तो निफ्टी को अगर आप देखोगे तो मीडियम टर्म की ट्रेंड निफ्टी का अभी भी पॉजिटिव हुआ है निफ्टी अगर देखोगे तो क्वार्टरली की डिमांड से बहुत दूर है निफ्टी 22000 भी आ सकता है तो मतलब ये पहला लेवल तो ये है तेईस हजार पांच 22000 भी आ सकता है ऐसी कोई कोई बड़ी बात बात दिक्कत वाली बात नहीं आ सकता है ठीक है क्यों क्योंकि अभी तक इसके उठने का कोई सिम्टम ही नहीं है देखो मीडियम टर्म में ट्रेंड अगर स्ट्रक्चर अगर बदलना है मीडियम टर्म में अगर बदलना है तो प्राइस को एटलीस्ट ये जो सप्लाई है ठीक है इस सप्लाई में जाके सप्लाई को क्लियर करना पड़ेगा ठीक है गया है फ्रेश नहीं है ये टेस्टेड हो चुकी है, अब प्राइस को इसके ऊपर जब क्लोज हो जाए ठीक है जब निफ्टी चौबीस छह सौ निफ्टी नए लाइफ टाइम हाई के लिए रेडी है वो सिनेरियो बनेगा तब ना बना तो नहीं है ना इर, इट मीन मैं हमेशा एक बात बोलू जो चल रहा है वो ही चलेगा चाहे जोन क्यों ही ना हो तो अभी तक जो मीडियम टर्म का जो ट्रेंड है वो नेगेटिव चल रहा है

ये था ठीक है इसके नीचे क्लोजिंग देने की कोशिश करी बट आई नहीं उसके बाद प्राइस वापस ऊपर गया। तो अभी निफ्टी के लिए अगेन रेंज होगी तो तो और इधर अगर लोएस्ट क्लोजिंग बेसिस पे देखोगे तो ये ठीक है, है। ग्रीन कैंडल जो आपकी पॉजिटिव कैंडल है उसका लोएस्ट जो होता है नीचे होता है बट हम क्लोजिंग मानते हैं क्लोजिंग रेड का मार्क होगा तो कभी कोई भी मार्क करे ना तो ऐसे गलती ना करें कि ग्रीन कैंडल का ऐसे मार्क कर देगा क्लोजिंग बेसिस क्लोजिंग मतलब एक क्लोजिंग, एक ग्रीन। तो क्लोजिंग, जो आपकी ग्रीन अभी आपका क्या है कि प्राइस एक फ्रेश ब्रेकआउट ब्रेकडाउन के लिए कंसोलिडेशन कर रहा है मिस नए बड़े मूव के लिए अपने को प्रीपेयर कर रहा है कहने का मतलब वाली शांति है तूफान आने से पहले वाली तो ये प्राइस जो इस ये जो इस तरीके से कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पे ठीक है इस कंसोल्टेशन के बाद बहुत बड़ा मूव आने वाला लाइक दिस ये वाला तो हमेशा प्राइस का क्या चलता है प्राइस मीनस आपका प्राइस एक मूव आया प्राइस कंसोल्टेशन फेज में चलेगा या तो accumulation होगा या डिस्ट्रीब्यूशन होगा मीनस इस फेज में अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना लेकिन इस फेज की रेंज तो बहुत बढ़िया ना डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो तो उसके बेसिस पे हम नीचे से पॉजिटिव ट्रेंड कर लेते हैं ऊपर से नेगेटिव ट्रेंड कर लेते हैं तो उस बेसिस पे सेलिंग में भी पैसा बन रहा है बाइंग में भी पैसा बन रहा है ठीक है तो निफ्टी को अगर हम देखेंगे तो एटलीस्ट जो क्लोजिंग बेसिस पे है का मतलब अगेन शार्प सेलिंग के लिए इसको डेली बेसिस पे आपको चौबीस नौ सौ बियासी के नीचे मतलब आपका जीरो पॉइंट टू जीरो मान के जो पचास पॉइंट तो अराउंड अराउंड ट्वेंटी थ्री थाउजेंड नाइन ट्वेंटी एक लेवल में ऐसा दे रहा हूं कि जिस जिस जिसके नीचे डेली कैंडल जिस दिन भी क्लोज कर देगी उस दिन ये समझ लेना कि आप स्विंग से थोड़ा दूर रहना क्यों क्योंकि निफ्टी क्वार्टरली के डिमांड जोन में आएगा तो निफ्टी के काफी एक बड़ी पेंडिंग अभी आपके लिए जो खुल जाती है, फिर 24, वाली खुल जाती है। तो ये फर्स्ट स्विंग पे क्लोज हो जाएगा उसके बाद अगेन जब रिट्रेसमेंट में आएगा जब अगेन रिट्रेसमेंट में आएगा

एजुकेशन कंटेंट है वो तो सभी को मिलेगा तो अभी क्या है निफ्टी जो है देखिए ऊपर की साइड ये फ्रेश हो गया कल के दिन के लिए तो ये हो गया नीचे की साइड अगेन फिर ऑर्डर बचा हुआ है ठीक है तो प्राइस अगर यहां आता है पॉजिटिव प्राइस दिखता तो बाई यहां आता नेगेटिव प्राइस दिखता तो सेल सिंपली ब्रेकआउट अगर कैनेक्ट क्लोज होगी उसका हाई निकल गए तो फिर वन वे निकल जाएगा इधर कैंडल क्लोज होगी और उसके लोज निकल गए वन हो जाएगा नहीं तो कैंडल अगर क्लोज होगी उसके हाई ना निकाल के उसका लो निकाल दिया तो पूरा का, पूरा का डीप रिवर्सल होगा सिमिलरली अगर कैंडल नीचे क्लोज होगी मिनट मिनट या की उसका लो अगर नहीं निकाला और उसका हाई निकाल दिया तो शार्प कुल बैक देखेगा ऊपर की साइड लाइक दिस क्लियर है क्योंकि आज डेली के अंदर भी तो सेलर ट्रेप हुए हैं ये वाले ये वाली स्टोरी होगी आप अगर देखोगे डेली तो के अंदर देखोगे तो ये ये डेली का एक्सट्रीमली रेंज था ठीक है इसके बाद एक्सट्रीम रेंज के बाद पहले में क्या हुआ पहले पंद्रह और बायर ने बढ़िया वाला पैसा बनाया जब बायर ने बढ़िया वाला पैसा बनाया तो ये फर्स्ट लेवल था ठीक है जिसका हाई ब्रेक करना है सेकंड लेवल से हमेशा शार्प गिरता है हमेशा बोलता हूँ अगेन मार्केट जोन में आ गया तो अभी जो ये तो पंद्रह मिनट की आज जो हुआ मैंने वो बताया बट अभी ये वाली रेंज है जो आपको बताई ठीक है इसके अंदर आप मार्किंग करके रखिए डेफिनेटली निफ्टी अच्छा मूव करेगा ठीक है राजा तो अब बताओ आप क्या पूछ रहे थे